नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। तपस्वी बाबा आश्रम में ही उगाता था भांग, प्रवचन सुनने आई महिलाओं में से एक को छांटता था, फिर सेविकाओं से उसे बुलवाता था, भांग खिलाता और पाप करता। 60 साल के पाखंडी तपस्वी बाबा ने खुद के चारों ओर सेवक सेविकाओं का घेरा बना रखा था। सेविकाएं ही बाबा के लिए काम करती थी। आश्रम में आने वाली नई महिलाओं पर बाबा की नजर रहती थी और प्रवचन में तपस्वी बाबा महिलाओं की तारीफ करता था, फिर महिलाओं को जाल में फंसाने की पूरी योजना बनाई जाती थी। आश्रम में सारा काम सेविकाएं ही करती थी, बाबा के पास सेवा के लिए ले जाती थी। 2-3 दिन बाद ही भांग का प्रसाद पकौड़े खिलाकर दुष्कर्म किया जाता था। गर्भवती होने पर उनका गर्भपात भी करवाया जाता था। भांग की खेती बाबा आश्रम में ही करवाता था। भांगरोड़ा थाने में दुष्कर्मी बाबा के खिलाफ 4 महिलाओं ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा रखा है। पुलिस ने जांच के बाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा फिलहाल जेल में हैं। बाबा की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने 2 पीड़िताओं से बातचीत की तो उन्होंने वीडियो में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पीड़िताओं ने बताया कि आश्रम में बाबा पति पत्नी को भी अलग रखता था, आपस में मिलने भी नहीं देता था, नज़र रखता था। परिवार की समस्याओं को लेकर जयपुर से गई थी, 7-8 दिन आश्रम में रुकने के लिए बोला, फिर बाद में उसने रात को कमरे में बुलाया, वहाँ पर हाथ पैर दबवाए, फिर वह छाती सिर भी दबाने लगा। उसने कहा कि तुम्हारा समर्पण भाव देखना चाहता हूँ। पीड़िता ने मना कर दिया और नीचे आने लगी, तब बोला कि तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पास नहीं गई तो डराया धमकाया, तब उसने दुष्कर्म किया। आश्रम में आने वाली महिलाओं पर नज़र रखता था, उनकी तारीफ करता था। लक्ष्मी स्वरूप पाए, भाग्यशाली है, परिवार की समस्या सुनकर उन्हें आश्रम में रोकता है, उनसे सेवा करवाने को बोलता है। महिला और दुष्कर्म करता है, उन्हें बर्बाद करने की धमकी भी देता है। आश्रम में आस्था के नाम पर खिलवाड़, बाबा आस्था के नाम पर लोगों को खिलवाड़ करने लगा, लोगों को डरा धमकाकर खुद ऐशो आराम का जीवन जीता है। पीड़िता के आर्किटेक्ट पति ने बताया कि लोगों से आस्था के नाम पर लाखों रुपए लिए। बाबा ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा भी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। विधायिका की पीड़िता ने बताया कि बाबा छोटी मोटी बीमारी से लेकर कैंसर के इलाज का भी दावा करता है, कई महिलाओं को डरा धमकाकर चुप करवा दिया है। 10 बजे के बाद खुद के परिवार को घर भेज देता है और कमरे में अन्य महिलाओं को बुलाता है, हाथ पे दबवाकर दुष्कर्म करता है। 5 आश्रम से 150 से ज़्यादा सेवक सेविकाएं। पीड़िता के पति ने बताया कि बाबा का पहला आश्रम मुकंदपुरा, दूसरा दिल्ली रोड पर चौक गांव, तीसरा आश्रम सीकर के कोछोर रिपीट पीड़िता ने बताया कि बाबा का पहला आश्रम मुकंदपुरा, दूसरा दिल्ली रोड पर चौक गांव, तीसरा आश्रम शिकर में कोछोर, चौथा आश्रम टिग्गी रोड पर और पांचवा काला रोड पर है। बाबा ने आश्रम में जाने के लिए अलग अलग दिन तय कर रखे हैं, उन्हीं दिनों के आधार पर ही आश्रम में जाता है। पीड़िता ने बताया कि आश्रम में सेविकाएं गर्भवती होने पर महिलाओं को गोलियां भी खिला देती है। आश्रम में 150 से ज़्यादा सेविकाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।